गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं डे टाइम का व्यू दिखाऊंगा आपको इस होटल का, कि इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी फोर्ट में रह रहे हैं। ये लॉन है यहाँ का एंड इस तरफ इनका स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल के अंदर भी इन्होंने फाउंटेन्स लगा रखे हैं लेफ्ट साइड में। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, डाइनिंग एरिया अच्छा बना रखा है और सामने ये यहाँ पे बुफे लगा हुआ है ब्रेकफास्ट का। हम लोग तनोट माता मंदिर के लिए निकल चुके हैं। वो यहाँ से जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है। ये देखो सामने क्या बढ़िया व्यू है। विंड मिल्स हैं, ये विंड टर्बाइन है, सारी की सारी यहाँ से स्टार्ट होती हैं और पूरी वहां तक जाती हैं। देखो उस तरफ तक राइट में, ये देखो। तो दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में स्कूल में। रोड काफी अच्छी है, अभी एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देखोगे तो जगह जगह थोड़े से डाइवर्जन बने हुए हैं, अभी ये बन रहा है, कम्प्लीटली बना नहीं है हाईवे। बाकी जो सरोवर पोर्टिको होटल था जिसमें हम रुके, मैं उसका एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। स्ट्रक्चर अच्छा है, दिखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन सर्विसेज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वॉट यू वुड एक्सपेक्ट फॉर दी मनी यू पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखो भी विंड फार्म, ये हम 50 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी और ये विंड मिल चले जा रही हैं। बहुत बड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लग रहा है मेरे को ये। और बिल्कुल लाइन में है, वो देखो उस तरफ बिल्कुल एक लाइन में है सारी की सारी विंड मिल्स। हम जैसलमेर से 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो सैंड दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। वो प्रॉपर सैंड ड्यून्स जो होती है जहाँ पे ड्यून मैशिंग होती है, उतना तो शायद नहीं नजर आएगा क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी श्रब्स हैं सैंड में। वो प्योर सैंड सम डेजर्ट में नजर आएगी, लेकिन फिर भी इस तरफ अगर आप देखोगे तो सैंड ड्यून्स हल्की हल्की दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर और 120 भी क्या, मैं तो कहूँगा कि 130-135 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। बहुत लंबी ड्राइव थी इस रोड के अलॉन्ग और यहाँ तो फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी एक्टिविटी है, काफ़ी हलचल है, लेकिन ये जो रोड थी जिससे हम आए हैं बिल्कुल सुनसान, दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ सैंड मिट्टी बस। बकरियाँ बहुत घूमती रहती हैं यहाँ पे, ये देखो कैमल। तो अभी ये मंदिर कवर करने के बाद हम निकल रहे हैं बॉर्डर की ओर। ये रोड जाती है सीधा इंडो पाक बॉर्डर पे, 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये बॉर्डर ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाके चले गए, इसका एक प्रोसीजर है जो पापा बताएंगे। इसके लिए यहाँ पे एक BSF की पोस्ट पे जाने के लिए एक पास बनता है, उसमें आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है और वो आपका एक आई कार्ड रख लेते हैं अपने पास ताकि आप जाओ और वापसी में यहाँ से आई कार्ड अपना कलेक्ट करो आफ्टर यू फिनिश द विजिट। इस बॉर्डर का नाम है बबलियन चेक पोस्ट, 20 किलोमीटर दूर है। सो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की चेक पोस्ट वो रही सामने, पास जाके दिखाता हूँ। ये बोर्ड देखो, BSF इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, काफी लोगों को हो सकता है कि BSF और आर्मी के बीच में डिफरेंस ना पता हो, तो जब भी बॉर्डर के ऊपर पीस टाइम होता है तो BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कि वो बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन जैसी वॉर टाइम होता है, वॉर डिक्लेयर होती है, तो BSF हटके आर्मी को हैंडओवर कर देती है ये सारा एरिया। वो देखो, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, ये सामने, दिस इज द बॉर्डर। ये देख लो भी, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये BSF की पोस्ट है यहाँ पे, और ये फेंसिंग नजर आ रही है आपको पूरी, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच की फेंस है, ये देखो। एंड कुछ लोग यहाँ पे चढ़े हुए हैं थोड़ा सा एक एलिवेटेड व्यू लेने के लिए, वहाँ से भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इस पॉइंट पर उससे आगे फोटोग्राफी करनी अलाउड है इसलिए मैं कर नहीं रहा, बट मैं वीडियो में बताता हूँ। ये फेंस है,
फेंस के आगे एक सफ़ेद सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, दैट इज़ दी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उसका वो जो एक पिरामिड सा बना होता है, ये वॉच टावर हमारा है। एंड वो पीछे एक आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, आई डोंट नो कैमरा उसको कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, वो पाकिस्तान का वॉच टावर है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा क्लियरली दिखाऊँ। ये जो आपको एक काले रंग का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये गेट है बॉर्डर का। सो फिलहाल मैं इस वॉच टावर के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये ब्लैक कलर का हमारा गेट है बॉर्डर का, उस ब्लैक कलर गेट के सामने एक छोटा सा पिरामिड नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पे इंडिया लिखा है इस तरफ और उस तरफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये वॉच टावर भी हमारा ही है। एंड वो जो वॉच टावर नज़र आ रहा है ना आपको उधर, ये पाकिस्तान का वॉच टावर है। एंड ये जो फेंसिंग देख रहे हो आप, दिस इज ऑल अक्रॉस द बॉर्डर, पूरा पूरा बॉर्डर कवर करता है ये। अब आप सोच लो कितनी मेहनत लगी होगी इस फेंसिंग को करने में। और जैसे राजस्थान का मैप नहीं है, थोड़ा राजस्थान इस तरह से है, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा राजस्थान के मैप के साथ साथ ये फेंसिंग भी इस तरह से कवर हो रही है यहाँ पे, ये देखो। सो इंडो पाक बॉर्डर विजिट करने के बाद अब हम निकलने वाले हैं लोंगेवाला म्यूजियम के लिए। लोंगेवाला बेसिकली वो जगह है जहाँ पे 1971 की वॉर लड़ी गई थी, तो वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है, वो दिखाऊंगा। लोंगेवाला जाने का रास्ता देखो कितना अच्छा है, रोड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई बनी हो। एंड रास्ते में दोनों तरफ सैंड ही सैंड, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मैंने कहा था ना कि वहाँ पे बहुत हलचल थी, बहुत व्हीकल्स थी, बहुत लोग थे मंदिर पे, और उसके आसपास आगे पीछे जितनी भी रोड थी सब बिल्कुल खाली थी। देख लो कितनी बैरन लैंड है राजस्थान में। तो लोंगेवाला यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है, लेकिन आप ये देखो कि रोड के ऊपर यहाँ बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगा रखी हैं और स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर सोलर पैनल लगा रखे हैं। सो ऑल दी लाइट्स आर सोलर पावर्ड, ये देखो पूरा आगे तक, ऑल अक्रॉस दी स्ट्रेच नहीं है, बीच बीच में है। तो मुझे लगा मैं दिखा दूँ। पहुँच गए लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, ये पार्किंग है यहाँ पे, एंड सामने मैंशनड है लोंगेवाला युद्ध स्थल। युद्ध स्थल मतलब कि युद्ध यही हुआ था इसी जगह। ये देखो ये टैंक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये पाकिस्तान के टैंक हैं जो कैप्चर कर लिए थे जब वो हार गए थे। एंड इसका पाकिस्तान का फ्लैग भी उल्टा कर रखा है टू सिग्निफाई दैट दे हैड लॉस्ट द वॉर। ये कमांड पोस्ट थी, थोड़ा अंधेरा है तो इसलिए पता नहीं चलेगा, ये मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। हाँ ये देखो ये है कमांड पोस्ट अंदर से ना, ये अंदर एक्चुअली इन्होंने इसके ऑडिटोरियम बना रखा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चलती है 1971 वॉर की। ये देखो ये पोस्ट इस तरह से होती है अंदर से, ये देखो आप, ये एमिनेशन रखा हुआ है यहाँ पे। हेलो ये देखो, और ये है वो ऑडिटोरियम जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री चलती है। ये सामने वाला एरिया जो है ये लोंगेवाला युद्ध स्थल जहाँ पे वॉर हुई थी 71 की। एंड इसके जस्ट सामने यहाँ पे है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। ये इंडिया का टैंक दिखा रखा है यहाँ पे और ये पाकिस्तानी टैंक है। तो इस वॉर मेमोरियल के अंदर सबसे पहले ये वेल है, कुआं है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस कुएं के बारे में कि ये लोंगेवाला की पॉइजन वेल है। बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि पहले ये जो वेल था, दिस वाज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल द विलेजर्स जो भी लोंगेवाला गांव में रहते थे। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी को लगने लगा कि वो लड़ाई हारने वाले हैं, तो वो जाते जाते इस वेल में जहर डाल के चले गए लोगों को मारने के लिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि इस वेल की बाद में गवर्नमेंट ने सफाई कराई, लेकिन फिर भी इसका पानी किसी ने यूज़ नहीं किया। 1971 की वॉर में जिस जिसको जो भी अवार्ड मिला ब्रेवरी के लिए, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। सबसे टॉप पे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का नाम लिखा हुआ है, जिन्हें महावीर चक्र मिला, और इनका रोल प्ले किया था सनी देओल ने बॉर्डर मूवी में। तो बॉर्डर मूवी अगर आप लोगों ने ना देखी हो और इस वॉर के बारे में आपको ना पता हो, तो मैं बता दूँ कि उस टाइम ड्यूरिंग दिस वॉर 1971 में जब पाकिस्तान ने हमला बोला था, इंडियन आर्मी के सिर्फ 120 सोल्जर्स थे और पाकिस्तान की तरफ से 3000 सोल्जर थे, 50 टैंक थे और 500 आर्टिलरी वाली गाड़ियां थी, बेसिकली पूरी टैंक रेजिमेंट। यहां जहां पे ये युद्ध स्थल है, इसके जस्ट ऑपोजिट पीछे की तरफ आपको ये रामगढ़ दिख रहा होगा, 43 किलोमीटर है यहाँ से। तो जब मेजर साहब ने इंटीमेट किया कि पाकिस्तानी आर्मी हमला बोल रही है, तो उनके सीनियर्स ने उनको ये डायरेक्शन दी थी कि या तो वो पाकिस्तानी आर्मी को पूरी रात रोक के रखें, बिकॉज एयरफोर्स के पास नाइट फ्लाइंग कैपेसिटी नहीं थी, और नहीं तो फिर वो अपनी यूनिट को लेके रामगढ़ चले जाएं। लेकिन मेजर चांदपुरी जी ने ये डिसीजन लिया कि वो रामगढ़ नहीं जाएंगे, वो रिट्रीट नहीं करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, और पूरी यूनिट के साथ जिसमें कि सिर्फ 120 सोल्जर्स थे, वो डट के पोस्ट पे खड़े होके पाकिस्तानी आर्मी का सामना करेंगे।
बहुत हिम्मत वाली बात है भाई, हर बंदा ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। ये सामने हंटर एयरक्राफ्ट है, जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, जो 71 की वॉर में यूज हुआ था, जिसके पायलट का रोल जैकी श्रॉफ ने किया था बॉर्डर मूवी में। 71 की वॉर में हालांकि इंडिया की साइड से टैंक्स को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन जो आए थे वो ये T-55 टैंक्स थे जो उस वॉर में यूज हुए थे। हम लोग जब बाहर निकलते हैं अपने घर से और गाड़ियों में घूमते हैं, तो हमें गाड़ियों के अंदर शीशा ऊपर करके AC चलाना होता है कम्फर्टेबल फील करने के लिए। और आप ये देखो, रेगिस्तान में इस टैंक में चलना, चार लोग बैठते हैं इस टैंक में, और पूरी गर्मी के अंदर इस इनक्लोज्ड टैंक के अंदर बैठना, वो भी और तीन लोगों के साथ, कोई AC नहीं कुछ नहीं, दोपहर में, कितना डिफिकल्ट होगा भाई। वाकई आर्मी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल खत्म करने के बाद वी आर हेडिंग टू सम सैंड ड्यून्स।